उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादपुर इलाके में ऐतिहासिक कंस मेला का आयोजन चल रहा है। रामलीला मैदान में कंस मेला का उद्घाटन SC/ST के आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया और मेयर नवीन जैन ने रविवार को फीता काटकर किया। नगर एतमादपुर से कंस मेला का उद्घाटन के मौके पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने नगर पालिका परिषद के सभी सदस्यों व नगर वासियों को इस मौके पर बुलाने के लिए धन्यवाद दिया है। कंस का मेला प्राचीन समय से चला आ रहा है। ये एक नगर की प्राचीन परंपरा है जो कि हर वर्ष कायम रहती है। इन सभी कार्यक्रमों से लोगों में प्रेम तो बढ़ता ही है और साथ ही लोगों में अच्छा संदेश भी जाता है। फिर उन्होंने अपने प्रदेश सरकार की महानता व अच्छाइयाँ बताई। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं के लाभ बताए और इनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना की उपलब्धियां बताई। पहले सड़क दुर्घटना से बीमा का 1 लाख मुआवजा मिलता था, अब इस सरकार ने 5 लाख कर दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन की पकड़ मजबूत होने की भी बात कही है और यह भी कहा कि पहले पुलिस सत्ता के दबाव में कार्य करती थी, पर अब पुलिस को किसी के भी दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण उपाध्याय ने किया था। मिलते हैं तभी मेला कहा जाता है और बाकी तो आप जानते हो। देखो सब चीज़ों को मुझे नहीं कहना चाहिए और मुझसे पहले क्या कर गए। मैं कंस मेले का उद्घाटन एकदम बात करा रहा हूँ, केवल इसलिए करा रहा हूँ कस्बे के लोग ये देखें कि राकेश बगल चेयरमैन गलत बनाए और सही बनाए। जिस तरीके से मेले में पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था है, जी मेरा अपना खुद का दायित्व है, जी मेरी अपनी पूर्ण कोशिश होगी। मेरे खून की भी अगर जरूरत पड़ेगी कस्बे के पानी के लिए तो वो भी निकाल के पानी नहीं तो खून दूंगा मैं। अच्छा, मेरे यहीं बाहर के दुकानदार जो आए हैं उनके लिए क्या? उनको तो दुकानदारों को आप जाके खुद पूछिए ना कि आप पहली बार चेयरमैन ने क्या किया है, तो आप मेरे अपने मुंह से कुछ भजन करूं ये गलत लगेगा। आप दुकानदारों से जाके एक एक पर्सन से ये पूछिए कि मैंने गलत किया है कि अच्छा किया है। लोगों ने मुझसे एक कहा कि आप पहली बार चेयरमैन ऐसा मिला है हमें जो कि खुले मन से खुले दिल से और रात में ये और पूछता कोई भूखा तो नहीं है, उनसे जाके पूछिए। तो उसके बाद जो तो मैं अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता मुझे प्रत मैंने इतना कंसेशन किया है। पहले लोगों ने लूट की थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्या करते थे लोग, मुझे किसी तो कोई गिलवा सका नहीं कि 200 रुपये उसके एप्लीकेशन के 50 रुपये मोर के मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर मैंने फ्री एंड कॉस्ट और 25% मेला कम किया, जो सरकारी रेट थी उसमें मैंने घटा के उस मेले को मैंने भव्य बनाने की कोशिश की है। मेला मेरा नहीं है, मेरा पूरे नगर का है और मेरे पूर्वजों की धरोहर है, उसको मैं संभाल रहा हूँ। अगर जे भी लोगों को अच्छा नहीं लगा तो भाई जयराम जी। मेले के देखते हुए मेले में भीड़ अधिक होगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? सुरक्षा के इंतजाम तो देखिए मेरे, मैंने इसीलिए तो कठेरिया जी को बुलवाया, केवल सुरक्षा दृष्टि से ही मैंने ये कार्यक्रम रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई मंत्री आएंगे तो मेले की सुरक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक एतमादपुर में ऐतिहासिक कंस मेला आज शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे एतमादपुर तहसील के मुरला तहसील के बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर मेला में आते हैं। ये 7 दिवसीय मेला का आयोजन जो भव्य आयोजन हो रहा है, मैं मेला कमेटी को, यहाँ के चेयरमैन साहब को और यहाँ जो भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेला हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो एक दूसरे से मिलने का एक केंद्र होता है,
भारतीय परंपरा के ये जो आयोजन हो रहे हैं, इस समाज को जोड़ने की इनमें ताकत होती है, क्योंकि सारे लोग सब प्रकार के अनेकानेक गांव से, अनेकानेक समाज के लोग, बरादरी के लोग, सब लोग मिलकर के महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सब एक संगम जैसा माहौल मेला में कार्यक्रम में होता है, तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज की एक ताकत है, हमारी जो कहा जाए जो भारतीय परंपरा है उसकी बड़ी ताकत, जो पूरे देश भर में इस तरह के मेलाओं का आयोजन होता है, ये निश्चित रूप से बड़ी ताकत है। जिस तरीके से हमारे नए नवेले चेयरमैन इस मेला को उद्घाटन के लिए भव्य तरीके से मनाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के चेयरमैन साहब को मैं बधाई देता हूँ, और जैसे नए नवेले चेयरमैन साहब बने हैं वैसे ही नवीन जी महापौर बने, तो वो नवीन जी महापौर ही उनके हाथों से मैं उद्घाटन करवा रहा हूँ का, वो आ रहे हैं तो आ जाएंगे, तो क्योंकि ये भी नए हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा से सौमेंद्र सिंह की रिपोर्ट।